के प्रदेश में 18 से लेके 44 साल तक, क्योंकि 45 से ऊपर के आयु के हमारे नागरिकों का, वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण का अभियान जारी है। डोजेज की उपलब्धता के हिसाब से वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वो यथावत चलता रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी डोजेज प्राप्त होते रहें और हम वैक्सीनेशन को और गति प्रदान करते रहें, क्योंकि संक्रमण की चेन तोड़ना नंबर एक और वैक्सीनेशन का काम तेजी से करना नंबर दो, ये इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए बहुत आवश्यक है। अब 18 से लेकर 44 वर्ष के हमारे जो नौजवान हैं या प्रौढ़ भाई बहन हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे। अभी हमने जो आकलन किया कि जो संभावित संख्या होगी जिसका हमको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा 18 से लेके 44 साल तक की, उसके लिए हमको जो डोजेज की जरूरत पड़ेगी वो 5,29,00,000 डोजेज की आवश्यकता होगी। तो 5,29,00,000 डोजेज के दोनों वैक्सीन निर्माता जो कंपनी हमारी कोविशील्ड वैक्सीन के लगभग 4,76,00,000 और कोवैक्सीन के लगभग 52,25,000 डोजेज के क्रय करने के, खरीदने के ऑर्डर हमने दे दिए हैं और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र और भारत बायोटेक वैक्सीन हैदराबाद, ये हमको तेजी से सप्लाई करे। अभी सप्लाई की सुनिश्चितता नहीं कि कब वो कितनी देंगे ये बताने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए अभी 1,50,000 डोज के हिसाब से हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो हमारे अभी हाथ में है फाइनल किया है। इस बीच मुझे लगता है 15 मई के आसपास हमको और डोजेज प्राप्त होने लगेंगे जो चर्चा के आधार पर दिखाई दे रहा है, तो हम अगले सत्रों का निर्धारण भी हम करेंगे। 5 और 6 मई को हम शुरुआत करेंगे 104 जो सत्र है उनमें लगभग 10,400 डोजेज लगाए जाएंगे। 8 और 10 मई को फिर ये सत्र बढ़ा के 416 कर दिए जाएंगे और 41,600 डोजेज लगाए जाएंगे। 12, 13 और 15 मई को ये सत्र बढ़ा के 960 कर दिए जाएंगे और 96,000 डोजेज लगाए जाएंगे। तो यहाँ से हम ये प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बीच में हमको उपलब्धता और प्राप्त होती रहेगी। हम लगातार बात करते जा रहे हैं कि हमको जल्दी उपलब्ध कराई जाए, तो जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी हम अपने नौजवानों को ये वैक्सीन लगाते जाएंगे, सबको निःशुल्क लगाएंगे, ये हमारा संकल्प है। कोई नहीं छूटेगा ये भी हमारा संकल्प है। जो हमारे पत्रकार मित्र हैं अधिमान्यता प्राप्त और उसके अलावा भी, उनको भी ये डोजेज लगाने के हम अलग से सत्रों का आयोजन करेंगे और दोनों कंपनियों से बात करके हम इस बात की भी संभावनाएं टटोल रहे हैं कि अगर ये निश्चित समय सीमा में डोजेज की आपूर्ति हमको नहीं कर पाती तो क्या हम 2 के अलावा इंपोर्ट करके भी कहीं से और तीसरी वैक्सीन ला सकते हैं, तो उस संभावना के भी मैंने निर्देश दिए हैं ताकि यथासंभव हम अपने 18 से लेकर 44 साल तक के नौजवान बेटे बेटियों को भी और प्रौढ़ भाई बहनों को भी ये वैक्सीन के डोज लगा के उनको स्वस्थ रहने की आश्वस्ति दे सकें और इस महामारी से बचाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर पैदा हो, इस बात का प्रयास कर सकें। ये मुझे लगा कि हमको 5 मई से प्रारंभ करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको जानकारी दी।